नमस्ते क्रिएटर्स, आइए सुपर थैंक्स के बारे में जानते हैं। एक ऐसी सुविधा जिससे आप पैसे कमा सकते हैं और नए तरीके से अपने दर्शकों से जुड़ सकते हैं। हम सुपर थैंक्स और इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि सुपर थैंक्स क्या है और इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है। सुपर थैंक्स की मदद से दर्शक अपने पसंदीदा चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ क्रिएटर्स के लिए रेवेन्यू का एक नया सोर्स भी बन सकता है। दर्शक आपके वीडियो पर एक बार दिखाई जाने वाली एनिमेशन खरीद सकते हैं और अपने हिसाब से बनाई गई एक रंगीन कमेंट भी कर सकते हैं ताकि वह कमेंट सेक्शन में सबसे अलग दिखाई दे। सुपर थैंक्स की सुविधा YouTube पार्टनर प्रोग्राम की जरूरी शर्तें पूरे करने वाले क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है। जिन जगहों पर यह सुविधा उपलब्ध है वहाँ के दर्शक वीडियो के नीचे गए थैंक्स बटन दबाकर सुपर थैंक्स खरीद सकते हैं। दर्शक अलग अलग कीमत वाले प्लान्स खरीद सकते हैं और हर प्लान का एक बार दिखाने वाला एनिमेशन दूसरे से अलग है। बोनस के तौर पर दर्शक आपके वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक खास रंगीन कमेंट भी कर सकते हैं। सुपर थैंक्स फीचर आपके और दर्शक दोनों के लिए फायदे का सौदा है और यह सीधे आपके कम्युनिटी के जरिए कमाई को बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। इसकी मदद से दर्शक को आपको और आपके कंटेंट को सपोर्ट करने, टॉप फैन बनने और कमेंट सेक्शन में उनका नाम पुकार जाने का मौका मिलता है। आइए अब जानते हैं कि चैनल पर सुपर थैंक्स की सुविधा कैसे चालू की जा सकती है। सुपर थैंक्स की सुविधा सेटअप करना काफी आसान है और कुछ ही क्लिक्स की मदद से की जा सकती है। सुपर थैंक्स की सुविधा को सेटअप करने के लिए डेस्कटॉप पर YouTube स्टूडियो पर जाएं और अर्न या कमाई करें पर क्लिक करें। इसके बाद सुपर स्टैप पर क्लिक करें जहां आपको सुपर थैंक्स के बगल में एक चालू या बंद करने वाला टॉगल बटन दिखेगा। सुपर थैंक्स की सुविधा को चालू करने के बाद आपके मौजूदा और आने वाले सभी वीडियोस पर अपने आप थैंक्स बटन दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि यह बटन आपके लाइव स्ट्रीम या प्रीमियर पर नहीं दिखेगा। अगर आपको कभी भी सुपर थैंक्स की सुविधा बंद करनी हो तो टॉगल बटन को बंद करें। ध्यान रहे कि बटन बंद करने पर यह सुविधा सभी वीडियो से हट जाएगी। हालांकि आपको अब तक की हुई कमाई आगे भी दिखेगी। अब जानते हैं कि आप सुपर थैंक्स कमेंट की समीक्षा और उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। सुपर थैंक्स वाले कमेंट्स को मैनेज और मॉडरेट करने के लिए YouTube स्टूडियो में कमेंट्स या टिप्पणियां पर जाएं। यहां से फिल्टर करके सिर्फ सुपर थैंक्स वाले कमेंट्स को देखा जा सकता है। यहां आप किसी भी वीडियो के सुपर थैंक्स कमेंट की समीक्षा, रिप्लाई या हार्ट आइकॉन पर क्लिक करके उन्हें पसंद भी कर सकते हैं। इन कमेंट्स पर जवाब देना या इन्हें पसंद करना अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करने का एक अच्छा तरीका है। ध्यान रहे कि किसी भी सुपर थैंक्स कमेंट को मिटाया भी जा सकता है। हालांकि अगर कोई दर्शक अपनी सुपर थैंक्स वाली कमेंट खुद से मिटा दे तो वह कमेंट्स या टिप्पणियां सेक्शन में नहीं दिखेगी। अब जानते हैं कि सुपर थैंक्स से मिली रेवेन्यू को आप कैसे और कहां देख सकते हैं। सुपर थैंक्स की सुविधा से हुई कुल कमाई की जानकारी पाने के लिए YouTube स्टूडियो पर जाएं। इसके बाद एनालिटिक्स और फिर रेवेन्यू पर जाएं। ट्रांजैक्शन रेवेन्यू या लेन देन से मिला रेवेन्यू में आपको सुपर थैंक्स से हुई कुल कमाई दिखेगी। सुपर थैंक्स की सुविधा से हर वीडियो पर हुई कमाई की जानकारी पाने के लिए YouTube स्टूडियो में कॉन्टेंट पर जाएं। वह वीडियो चुने जिससे हुई कमाई की जानकारी आप पाना चाहते हैं। फिर एनालिटिक्स पर जाएं, जहां ट्रांजैक्शन या लेन देन में आपको उस वीडियो पर सुपर थैंक्स की सुविधा से हुई कुल कमाई दिखेगी। ध्यान रहे कि सुपर थैंक्स की सुविधा में मिलने वाले रेवेन्यू का 70% हिस्सा क्रिएटर्स को मिलता है। स्थानीय सेल्स टैक्स और ऐप स्टोर के शुल्क की कटौती के बाद इस रेवेन्यू का बंटवारा किया जाता है। आपको यह रकम एडसेंस के जरिए मिलेगी। फिलहाल ट्रांजैक्शन से जुड़ी सभी शुल्कों का पेमेंट YouTube करता है और इसमें क्रेडिट कार्ड के शुल्क भी शामिल है। और अब क्रिएटर के तौर पर सुपर थैंक्स की सुविधा का इस्तेमाल करने से सबसे सही तरीके जानते हैं। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया करना न भूले जो सुपर थैंक्स खरीदते हैं। फैंस को तारीफ बहुत पसंद आती है, इसीलिए उनकी तारीफ करें जो आपको सपोर्ट करते हैं। इसे आसानी से करने के लिए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं ताकि आप अपने दर्शकों को शुक्रिया कर सके। फैंस को अपने पसंदीदा क्रिएटर से बात करना बहुत पसंद है, इसीलिए उनके सुपर थैंक्स कमेंट का जवाब दे या उसे लाइक करें।
सुपर थैंक्स खरीदने वाले को कमेंट सेक्शन में शाउट आउट देकर वह कमेंट को पिन करे या किसी दर्शक के सुपर थैंक्स कमेंट पिन करे ताकि वे सबसे अलग दिखे। वीडियो में धन्यवाद कहे या अगले वीडियो के खत्म होने पर क्रेडिट्स के दौरान उनका नाम ले। इसके अलावा कम्युनिटी टैब में पेस्ट करके सुपर थैंक्स खरीदने वाले दर्शकों को खास शाउट आउट दे। इसके बाद उस कंटेंट पर गौर करें जिसे सबसे ज्यादा सुपर थैंक्स मिले हो। क्या कोई ऐसा वीडियो या सीरीज है जिस पर फैंस ज्यादा सुपर थैंक्स भेज रहे हैं? उसे नोट करें। दर्शक शायद इसीलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि उन्हें ऐसा और कंटेंट देखना हो, और शायद वे उस विषय पर वीडियो बनाने का अनुरोध सुपर थैंक्स कमेंट के जरिए कर रहे हैं। आपको भी अपने दर्शकों से कहना चाहिए कि वे अपने पसंदीदा वीडियो पर सुपर थैंक्स वाले कमेंट करें। इससे दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, साथ ही आपके चैनल की नई गतिविधियों को देखने के लिए उनका जोश भी बना रहेगा। आखिर में फैंस को बताएं कि सुपर थैंक्स से हुई कमाई का इस्तेमाल कहां किया जाएगा और उन्हें इसके नतीजे दिखाएं। हो सकता है कि यह जानने के बाद वे आपको ज्यादा सपोर्ट करें, इसीलिए इस विषय पर कैमरे के सामने बात करने की कोशिश करें। भले ही यह पैसा कोई नया उपकरण खरीदने, ज्यादा वीडियो बनाने या आपके निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, तब भी उन्हें बताएं। दर्शकों को आपकी सच्चाई पसंद आएगी और हो सकता है कि वे इस सफर में आपका बढ़ चढ़ कर साथ दें। और एक बार उनसे सपोर्ट मिलने पर उनके सामने खुद को साबित करें, उनके सपोर्ट के फायदे उन्हें दिखाएं, जैसे कोई नया उपकरण या कोई दिलचस्प सीरीज जिसके लिए उन्होंने मदद की थी। एक शाउट आउट से उन्हें आपके चैनल में अपने योगदान पर गर्व होगा। सुपर थैंक्स के बारे में और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।